हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं पंजाबी छोले। इसके लिए मैंने लिया है एक कुकर में थोड़ा सा तेल, इसके साथ मैंने डाला है 2 तेज़पत्ता और मैंने लिया है 2 मीडियम साइज अनियन स्लाइस करके। अब हम अनियंस को अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे हमारी स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से कुक करना है ताकि उसका रॉ स्मेल चला जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस। मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, छोले मसाला अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून्स। अब हम मसालों को अच्छे से कुक करेंगे। मसाले जल ना जाए इसलिए मैंने 2 टीस्पून्स ऑफ वाटर ऐड किया है और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि मसालों के साइड से ऑयल ना निकलने लग जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट किए हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और अब हम इसे कुक करेंगे तब तक कि जब तक टमाटर में से ऑयल ना निकलने लग जाए। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारे छोले जो हमने ऑलरेडी भिगो कर रखे थे। छोलों को मसाले के साथ 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कुकर का लिड लगाकर हम इसे कुक करेंगे ऑन हाई फ्लेम फॉर 5 to 6 व्हिसल्स एंड लो फ्लेम पे 5 to 7 मिनट्स के लिए। अब अपनी करछी की मदद से हम थोड़े छोलों को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि हमें ग्रेवी में थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी मिल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा डिकॉशन जो मैंने बनाया है, 1 ग्लास पानी और 2 चम्मच टी पाउडर के साथ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब हम छोलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल करेंगे फॉर 5 to 7 मिनट्स। 5 to 6 मिनट्स पर देखेंगे कि हमारे छोले बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं कुलचे और पूरियों के साथ। मैं इसमें एडिशनल तड़का लगा रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया है 1 to 2 टीस्पून्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स, जिंजर के जूलियंस, ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर। तड़के को हम राइट अवे हमारे छोलों में ऐड कर देंगे और उसे लिड से कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद इसे आप सर्व कर सकते हैं गरम गरम कुलचे, पूरी या नहीं तो चावल के साथ भी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।